कर्मचारियों की खबरों की बात करें तो प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर अब जो जो हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने की आहट सुनाई दे रही है, तमाम कर्मचारी अपनी पोस्टिंग और प्रमोशन को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर बात करें तो प्रिंसिपल प्रमोशन की सूची किसी भी वक्त इसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दिवेश कुमार के कार्यालय से इसकी औपचारिकता करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब नोटिफिकेशन की तरफ फाइल को मूव किया गया है और सूचना के अनुसार कुल यहां पर 206 के आसपास प्रिंसिपल प्रमोट होने थे, लेकिन लीजिबल यहां पर हेडमास्टर सिर्फ 27 बताए जा रहे हैं। सिर्फ 27 ऐसे हेडमास्टर हैं जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और तमाम औपचारिकताएं पूरी की हैं। ऐसे में करीब 27 हेडमास्टर्स प्रिंसिपल बन सकते हैं। 125 लेक्चरर्स को यहाँ पर प्रिंसिपल का तोहफा मिल सकता है। इसकी नोटिफिकेशन किसी भी समय शिक्षा विभाग जारी कर सकता है। आजकल में इसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है और पूरी प्रक्रिया इसकी मुकम्मल हो चुकी है। 870 पीईटी के पदों को लेकर भी समय सचिवालय में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दिवेश कुमार के पास बैठक चल रही है। इस बैठक में एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर वेंद्र शर्मा को बुलाया गया है और जिस प्रकार से इन्हें एग्जाम देने की बात की गई थी, 870 पदों पर भर्ती करने का फैसला हुआ है। अब माना यह जा रहा है कि इस पर देर शाम तक कोई बड़ी अपडेट आ सकती है। टीजीटी 2002 से पहले इस पर भी बड़ी अपडेट चल रही है, बैठक चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिस प्रकार से अनाउंसमेंट की थी, अब इसे नोटिफाई करने के लिए अमलीजामा पहनाने की कवायद सचिवालय में शुरू हो चुकी है। एनटीटी भर्ती को लेकर भी आज एक बार फिर सचिवालय से निर्देश जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को कि आप चुनावी आचार संहिता से पहले इसकी पूरी औपचारिकता पूरी कर लें ताकि आगे चलकर भर्तियों में कोई दिक्कत ना आए। हालांकि अब देखना यह होगा कि यहाँ पर एडवर्टाइज होने के बाद अगर कोई एजेंसी यहाँ पर फाइनल कर ली जाती है भर्ती करने के लिए, तो क्या आदर्श चुनाव आचार संहिता इसके आड़े आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जरूर शिकायत करने के मूड में है। कांग्रेस का मानना है कि ये बैकडोर भर्ती भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसके चलते आनन फानन में अंतिम कैबिनेट की बैठकों में आनन फानन में इस पॉलिसी को मोहर लगाकर ये तय किया गया है कि आउटसोर्स के तहत एनटीटी पदों पर भर्ती की जाएगी। 1 साल के डिप्लोमा को वैलिड करने के लिए केंद्र सरकार से मामला उठाया जाएगा और इसी बीच बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके आरएनपी रूल्स फ्रेम करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन जिस तेजी के साथ पिछले 2-3 दिनों में ये मामले बढ़ रहे हैं, अब देखना यह है कि यहाँ पर क्या स्मूथली एनटीटी की भर्ती हो पाती है, फिर या ये मामला अगले साल तक लटक जाता है। यहाँ पर बात की जाए टीजीटी भर्ती की, तो टीजीटी के 1587 पदों पर भर्ती होनी थी, इसे लेकर भी सचिवालय में बैठक चल रही है। कैबिनेट ने जरूर अपने पारित आदेशों में यह कहा है कि वित्त विभाग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब कैबिनेट मंजूरियों के तहत सीधी स्वीकृति दे रही है कि पोस्ट की क्रिएशन और उन्हें फिलअप करने की, यानी कि पदों के सृजन और इनको भरने की बाकायदा कैबिनेट से अप्रूवल मिल रही है, चाहे एडवाइजरी डिपार्टमेंट से वित्त विभाग की इसकी अनुमति हो ना हो। लेकिन अगर इसे अब कमीशन को भी भेजा जाना तो इसके लिए 5-6 महीने का वक्त लग सकता है, यानी कि टीजीटी की जो लंबे समय से ये लटकी भर्ती है, एन मौके पर सरकार जरूर इसके लिए जागी है, लेकिन इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जितने भी पात्र बेरोजगार लंबे समय से नौकरी की गुहार लगाए खड़े हैं, लगातार सरकार की तरफ नजरें गिराए बैठे थे, उन्हें अगली सरकार का इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से होमगार्ड कर्मचारियों की बात करें तो आज होमगार्ड के गृह सचिव, होमगार्ड के जितने कर्मचारी हैं, सचिव गृह भरत खेड़ा से आज मिले और उन्होंने अपना मामला उनके समक्ष रखा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 12 महीने उन्हें वेतन देने का, रोजगार देने का ऐलान किया था। आचार संहिता न लग जाए इससे तमाम होमगार्ड के कर्मचारी यहाँ पर सहमे हुए हैं, डर रहे हैं। इसके चलते कर्मचारियों ने, होमगार्ड के कर्मचारियों ने गृह विभाग के सचिव भरत खेड़ा से गुहार लगाई कि तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए और उन्हें इस बारे में आश्वस्त जरूर किया कि आजकल में इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। उधर ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर आज सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के 1.25 लाख कर्मचारी एनपीएससी के तहत जो जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें ओल्ड पेंशन लागू कर दी जाए, इन कर्मचारियों ने आज
बड़े स्तर पर वर्चुअली बैठक करने के बाद आज प्रदीप ठाकुर खुद रामपुर में मौजूद थे ब्लॉक स्तर की, वहां पर पूरे समूचे प्रदेश में बैठकें चल रही हैं और प्रदीप ठाकुर ने आज रामपुर से वर्चुअली तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों से बात की और अंतिम निर्णय ये किया गया कि क्रमिक अनशन को तोड़ दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जीव या आचार संहिता लागू हो जाएगी, हड़ताल को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद चुप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जिन्हें ओल्ड पेंशन से वंचित रखा गया है चुप नहीं बैठेंगे, क्रमिक अनशन हड़ताल जरूर खत्म कर देंगे आचार संहिता लागू होते ही, लेकिन इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएंगे। इस समय हिमाचल प्रदेश के खजाने की वित्तीय हालत बिल्कुल सही नहीं है, क्या इन परिस्थितियों में क्या ओपीएस को बहाल कर देना चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे। कर्मचारियों की चिंता यहाँ पर जयराम सरकार को भी है, इसी के चलते मंत्रिमंडल की बैठक फिर 14 को बुलाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस कैबिनेट की बैठक का अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ, लेकिन तमाम मंत्रियों को प्रशासनिक सचिवों को सूचित किया गया है कि 14 को मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है, 13 को देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आएंगे और इसके अगले दिन ही मंत्रियों को शिमला में आने के लिए मौजूद रहने के लिए कहा गया है और ये कहा गया कि आचार संहिता यहाँ पर नहीं लगती है। फिर जयराम मंत्रिमंडल की एक और कैबिनेट 14 को हो सकती है और जितने भी मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट लटकी हुई है उन तमाम अनाउंसमेंट को उस कैबिनेट में ठप्पा लग सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के जो कुछ जटिल मुद्दे यहाँ पर लटके हुए हैं उन मुद्दों को भी अंतिम कैबिनेट की बैठक में मीटिंग में अप्रूव करने की संभावना बन रही है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पर माना जा रहा है कि जिस प्रकार से सोनिया गांधी का शिमला का प्रवास था, प्रियंका गांधी परसों सोलन आ रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार दो दौर की बैठक हुई, इस बैठक के बाद जिस तरह से तमाम एजेंसियों के माध्यम से सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की प्रमुख है इस समय और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन है, माना यह जा रहा है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में करीब करीब सभी 68 विधायकों के टिकट फाइनल कर लिए, सूची फाइनल कर ली है, लेकिन इस सूची को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। महिला कोटे की जिस प्रकार से कांग्रेस बात कर रही थी, कांग्रेस को इस बार जिताऊ महिलाएं नहीं मिल पा रही, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की दलील है कि पार्टी यहाँ पर कई महिलाओं को टिकट देना चाहती थी, कम से कम 15 से 20 महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में टिकट देना चाहती थी, लेकिन इस रेसों में कांग्रेस को जिताऊ महिलाएं हिमाचल प्रदेश में नहीं मिल पाई हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि युवा नेताओं में जीत की जरूर क्षमता है, जीत का जरूर मादा है, लेकिन संकट उनके टिकट पर भी बन गया है, क्योंकि जहां पर युवा नेता टिकट मांग रहे हैं वहां पर दिग्गज नेता कांग्रेस के समय मौजूद है। किन्नौर की बात की जाए, जगत सिंह नेगी लगातार दो बार जीत कर आए विधायक हैं, वहां से जिस प्रकार से निगम भिंडारी टिकट मांग रहे हैं, अब माना यह जा रहा है कि किन्नौर में जगत सिंह नेगी का टिकट कन्फर्म हो सकता है। उनके टिकट पर इस प्रकार से अंतिम क्षण में कहा गया था कि स्क्रीनिंग कमेटी में उसके साथ युवा नेता का नाम ऐड किया गया था, लेकिन अब जो सूचना आ रही है जिस प्रकार की लिस्ट फाइनल करने की बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, उसमें किन्नौर से जग सिंह नेगी को ही टिकट मिलेगा, भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि भरमौर से सुरजीत भरमौरी का नाम आ रहा था, युवा नेता है, पढ़े लिखे नेता है, जुझारू नेता है, लेकिन अपने दिग्गज नेताओं पर कांग्रेस यहाँ पर दाव खेलने के मूड में है और केंद्रीय हाईकमान भी अब इस बात पर राजी हो गया कि जितने वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, दिग्गज नेता हैं, उम्र दराज नेता हैं, उन्हें टिकट दिया जाएगा, भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी, इसके साथ साथ चंद्र कुमार कौल सिंह ठाकुर, इन तमाम नेताओं को टिकट देने पर सहमति बन चुकी है। सरका घाट की बात की जाए तो वहां से जरूर नीला राम राव के साथ यदुपति का नाम चल रहा है, इस सीट पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन किन्नौर भरमौर और तमाम दूसरी सीटें जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वहां पर सहमति बन चुकी है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को वहां से टिकट दी। इस टिकट के जारी न होने के पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि इस समय भी कांग्रेस की नजरें भारतीय जनता पार्टी के नेता रणवीर निक्का नूरपुर से आते हैं, उन पर टिकी हुई हैं। अरविंदर रवि जो कि पार्टी के कदावर नेता रह चुके हैं, धूमल सरकार में कदावर मंत्री रह चुके हैं, अरविंदर रवि पर कांग्रेस की नजरें टिकी हैं, अरविंदर रवि के अलावा रणवीर निक्का पर उनकी नजरें टिकी हैं। तीसरा एक बड़ा नाम और कांग्रेस के खाते में ऐड हुआ है, होशियार सिंह, निर्दलीय जीत कर आए थे देरा से और पिछले कल जिस प्रकार के भी हालात, जिस प्रकार का ड्रामा, सियासी ड्रामा
देहरा में चलता रहा उस सियासी ड्रामे के बाद अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटके जरूर लग सकते हैं अगर टिकट आवंटन में भाजपा ने किसी प्रकार की कोताही बरती।